साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि मैं ललितपुर ज़िले के गांव पिपरी का रहने वाला हूं और मुझे बड़ी फिक्र लगी है। सबसे बड़ी फिक्र तो मेरी ये है कि 2 बरस से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई गाड़ियां रुकना चालू हो जाएं। 5 गाड़ियां स्टेशनों पर रुकती थी, उसमें सिर्फ एक गाड़ी रुकती है और वो भी किराए 3 गुना लेते हैं। विंडो पर टिकट मिलती नहीं, और बाकी गाड़ियों की मतलब रुकती भी नहीं हो, बड़े शहरों में भी छोटी टिकट मिलती ही नहीं। तो पहला मसला तो ये, क्योंकि सुनने वाला नहीं। दूसरा मसला ये है कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैंने बातचीत करी अपने प्रधान से कि भैया वो एक मीटिंग करनी, उन्होंने कहा साहब वो पुलिस ने मना किया हुआ है, आप तो परमिशन ले लो पहले। हमने कहा परमिशन लेने कहाँ जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास। तो वो एक मुसीबत खड़ी हो गई। तीसरी मुसीबत यह खड़ी हुई है कि सारे के सारे कारोबार लॉकडाउन में बंद हो गए। हमारे गांव में फसल कटती है मार्च के महीने के आखिर में, तभी लॉकडाउन लग गया। सरकार ने मंडियां तो बंद करवा दी, लेकिन खुद खरीद चालू की 1.5 महीने के बाद। तो हमारे आधे से ज्यादा किसानों को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी अपनी फसल। ये बात है 2020 की। तो 2021 आया, तो 2021 में भी सरकार ने MSP अकेला गेहूं का दिया, और वो भी खरीद लेट शुरू हुई, तो बाकी लोगों को तो उससे 2 रुपये 3 रुपये किलो सस्ता बेचना पड़ा। यानी मंडी में कोई आवाज नहीं। इस हुकूमत के जमाने में हमारे MLAs और जनप्रतिनिधियों की, सरपंचों की कोई आवाज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सरकार लाओ उत्तर प्रदेश में जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान की, जिला पंचायत के प्रधान की, MLA की आवाज तो हो। अकेला IAS अफसर न चलाए, या मुख्यमंत्री तानाशाह तरीके से हुकूमत न करे। अपने दल के और अपने गुट के लोगों को तो उसके 100 कसूर माफ, चाहे वो लखीमपुर खीरी जैसी घटना में लोगों पे कार चला दे, जीप चढ़ा दे जानबूझकर, चाहे लड़कियों के कत्ल करवा दे, तो उन पर तो कोई कार्रवाई बहुत ढीली ढाली नाके बराबर होगी। और बेकसूर लोगों को जो इन्होंने कहा कि भाई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको आपने पकड़ लिया। ऐसी हुकूमत से तो बचो। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस परंपरा को कायम करो जो हमारे इस इलाके में लक्ष्मीबाई ने खड़ी की। लक्ष्मीबाई की आजादी की लड़ाई में 80% लड़ने वाले उसके साथ में मुसलमान थे। हिंदुस्तान का रूह है हिंदू मुस्लिम एकता। हमारे झांसी की तो जान है, जब देश का बंटवारा हुआ तो देश भर में दंगे हुए। झांसी में नहीं हुआ, ललितपुर में नहीं हुआ, भोपाल में नहीं हुआ। ये हमारा पूरा इलाका इंसानियत की, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। आप लोग इसको जिंदा रखो। ये मैं आपसे चाहता हूँ। एक और बात मुझे कहनी है, हमारे इलाके के मजदूर बर्बाद हो गए पत्थर की खदानें बंद होने से। सरकार से कई दफा कहा, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। हमने तो एक सम्मेलन किया था किसान मजदूरों का, कहा था कि भाई पत्थर का काम जो छोटी उम्र से करते हैं, 45 साल की उम्र आते आते उनका शरीर अकड़ जाता है, कईयों को दमा की और TB की बीमारी हो जाती, मर जाते हैं लोग। लिहाजा इन इलाकों में 45 साल से पेंशन चालू की जाए मजदूरों के लिए, और सरकार के पास जो पैसा आता है रॉयल्टी का, उसमें से पैसा दिया जाए। इस पर कार्रवाई हुई नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से कहें, जो नई सरकार आए उससे कहें कि आप मजदूरों के लिए छोटी उम्र में पेंशन की योजना बनाओ। ये मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ें, जाति और धर्म के भेदभाव को से ऊपर उठकर। सारे के सारे लोगों का ये देश है, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर दलित सवर्ण का देश है। इसको दिमाग में रखें। बहुत अच्छा करेंगे अगर अपन लोग इस तरीके से काम करेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया।